हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे आप सब। माय नेम इज हिमांशु पर और आप सब देख रहे हैं मुझे अपनी केमिस्ट्री क्लास में। तो आज का हम लेक्चर लेके आए, लेक्चर नंबर थर्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का, जिसमें हम लोग आज स्टार्ट करेंगे आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। लास्ट क्लास तक हम लोग ने ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सिखा दिया था, आज हम लोग उसी क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। और कंटिन्यू करने में आज हम सीखेंगे कि कैसे आईयूपीएसी नेमिंग की जाती है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, तो आपको पहली बात तो पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स में याद रखना है, जिसमें कॉम्प्लेक्स आगे काउंटर आइन पीछे होता है, उसको कहते हैं पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स। उसको क्या कहते हैं? पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स, या कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। कॉम्प्लेक्स के ऊपर कैसे चार्ज हो? पॉजिटिव। अब देखिए इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले इसमें रूल याद रखना है, सबसे पहले लिखते हैं नंबर ऑफ लिगेंड्स, नंबर ऑफ लिगेंड्स, फिर लिगेंड्स नेम, फिर लिगेंड्स नेम, फिर आता है सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम, फिर आती है ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर आता है काउंटर आयन। इस तरीके से हम लोग आईयूपीएसी नेम को कंप्लीट करेंगे। अच्छा, इसमें हम लोग एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे कि पहला लेटर कैपिटल, फर्स्ट लेटर कैपिटल, बाकी उसके बाद स्मॉल आएंगे सारे, बाकी सब स्मॉल आएंगे। अच्छा, अगर दो लिगेंड होते हैं तो दो के लिए लगेगा डाई, तीन के लिए ट्राई, चार के लिए टेट्रा, पांच के लिए पेंटा, छह के लिए हेक्सा, हेक्सा ही बोलना है और कुछ मत बोल देना, ठीक है। अच्छा, वो याद आ गया क्या, कौन सी मूवी थी वो, छिछोरे, उसमें था एक सेक्सा है, तो साउंड लाइक हेक्सा, ठीक है। तो हेक्सा सेक्सा सिमिलर है, तो हेक्सा, ठीक है। अच्छा, अगर किसी के नाम में डाई, ट्राई या टेट्रा यूज होता है, जैसे कई सारे लिगेंड्स है, जैसे ईएन, ईएन को हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं, इथाइलिन डायमाइन, ठीक है, और भी कई सारे, ठीक है, पी पी एच थ्री, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, ठीक है। तो इस तरीके से जो लिगेंड्स है जिनमें डाई ट्राई टेट्रा ऐसे यूज होते हैं, अगर उनको दो लिखना है तो दो लिखेंगे बिस, तीन लिखेंगे ट्रिस, चार लिखेंगे चार चुम्बिया टेट्रा केस, ठीक है। अब चुम्बिया लेते हो पांच में पेंटा केस, छह में हेक्सा केस, अब चुम्बिया उड़ाती है ये बस। चलिए आगे समझ में, बहुत बढ़िया। चलिए तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे आईयूपीएसी नेमिंग पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स। तो रूल सबको याद है मेरे प्यारे बच्चों, रूल याद है सबको? अरे हाँ ना, अच्छा याद है, ठीक है बेटा। बोर्ड के पेपर अब नियर बाय है, प्लीज सीरियस ले लो एग्जाम को, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला कॉम्प्लेक्स सीओ एन एच थ्री सिक्स सी एल थ्री। देखिए इसका नाम कैसे बनेगा। सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं सेंट्रल मेटल एटम की। तो एक्स प्लस जीरो इंटू सिक्स प्लस माइनस वन इंटू थ्री इज इक्वल टू जीरो। ये जीरो कैसे लगाया, क्योंकि ये न्यूट्रल लिगेंड है, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बहुत बढ़िया, प्लस थ्री, सबको पता है, अब तो मन की आंखों से भी निकाल लेते होगे, है ना। अब इसका नाम लिखेंगे, सबसे पहले नंबर ऑफ लिगेंड क्या होगा, हेक्सा अमाइन। अच्छा इसलिए नहीं आता इनके बीच में, दो वोवल एक साथ आ सकते, हेक्सा अमाइन कोबाल्ट, कोबाल्ट थर्ड फ्लोराइड,
अरे सर ये तो बहुत आसानी से हो गया। अबे होगा क्यों नहीं, अगला देखो, Mn H2O6 2+। चलिए ऐसे करके देखते हैं, तो इसका नाम क्या होगा? ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल ली होगी वैसे तो। X+0 × 6 = +2। एक्स की वैल्यू +2। हेक्सा एक्वा देखो, 6 है ना, हेक्सा एक्वा मैग्नीज सेकेंड, इसको क्या बोलेंगे? अब देखो आयन क्यों लिखा, क्योंकि यहां पर काउंटर आयन था। जब काउंटर आयन नहीं होगा तो हम लोग आयन लिख देंगे। क्या लिख देंगे? आयन। ठीक है चलो तीसरा देखते हैं। अब यहां पर हेट्रोलिटिक लेते हैं, एक कॉम्प्लेक्स CONH3 का होल फोर Cl2Cl, ऐसे ले लिया। चलिए ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें, X+0 × 4 + -1 × 2 + -1 = x की वैल्यू कितनी आ गई? +3। ठीक है, नाम क्या होगा इसका? देखो इसको प्यार से बोलते हैं अमाइन, इसको बोलते हैं क्लोराइड। तो अल्फाबेटिकली चलेंगे, कैसे चलेंगे? अल्फाबेटिकली, टेट्रा वेट्रा से कोई मतलब नहीं है, अल्फाबेटिकली। टेट्रा अमाइन डाइक्लोराइडो कोबाल्ट, फिर क्या आएगी? ऑक्सीडेशन स्टेट थर्ड क्लोराइड। अच्छा ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा रोमन नंबर में आएगी। ठीक है पहला लेफ्ट। अच्छा यहां पर देखिए मैंने क्या बताया अभी आपको, कि जो हम लोग लिगेंड का नाम लिख रहे हैं, लिगेंड के नाम से ही आप, मतलब डाइक नाइट टेट्रा से कोई मतलब नहीं है, लिगेंड के नेम से आप सिलेक्शन करोगे कि कौन सा लिगेंड पहले आएगा कौन सा लिगेंड बाद में आएगा। इस बात को ध्यान रखना है, इस बात को ध्यान रखना है कि कौन सा लिगेंड पहले आएगा कौन सा लिगेंड बाद में आएगा। ये तब डिसाइड होगा जो उसका नाम है उसके नाम के अल्फाबेट के ऊपर डिपेंड करता है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन, CoEn का होल थ्राइस 3+। ठीक है आसान है, X+0 × 3 = +3। एक्स की वैल्यू +3, ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई 3। अब निकाल लेंगे, अब इसका En को क्या कहते हैं? इथाइलीन डायमाइन। क्या कहते हैं? इथाइलीन डायमाइन। तो नाम क्या होगा इसका? 3 है, अब इसके नाम में डाई आ रहा है तो इसका नाम लिखेंगे ट्रिस इथाइली डाइअमाइन कोबाल्ट थर्ड आयन। ट्रिस इथाइलिन डायमाइन कोबाल्ट थर्ड आयन, क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। अच्छा अगला क्वेश्चन, मान लो ऐसे दे दिया Cr(NH3)4 Cl2Cl, कर लोगे? बहुत बढ़िया। X+0 × 4 + -1 दो ये × 3 = 0, एक्स की वैल्यू +3। नाम क्या होगा? टेट्रा अमाइन डाइक्लोराइडो क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। ठीक है एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपको IUPAC आ जाए। ठीक है
सी आर ई एन का होल ट्वाइस, सी एल टू पॉजिटिव, ऐसे दे रखा। ठीक है, अब देखते हैं एक्स प्लस जीरो इंटू टू प्लस माइनस वन इंटू टू इज इक्वल टू प्लस का वन। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? प्लस का थ्री। आ गई कि नहीं आ गई? इसे रफ कर दूं नीचे वाले को। ठीक है, थोड़ा स्पेस घेर रहा था। नाम क्या हो जाएगा? देखिए ईएन को क्या कहते हैं, इथाइलिन डायमाइन, इसको क्लोराइड। तो दो है ईएन, तो इसको बोलेंगे। अच्छा, कौन सा पहले लिखा जाएगा? बहुत बढ़िया, डाई क्लोराइड सर, डाई क्लोराइडो बिस इथेन। अच्छा, कई बच्चे ये भी लिख सकते हैं, इथेन वन कॉमा टू डाई अमाइन, ये भी लिख देंगे तो भी सही। क्रोमियम, थर्ड आयन। ठीक है, नोट करिए, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स के छह क्वेश्चन हम लोग ने करा दिए, आई थिंक आप लोग को आ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेगेटिव कॉम्प्लेक्स के ऊपर। अच्छा, थोड़े से और डिफिकल्ट टाइप क्वेश्चन अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे, जो कंपटीशन पे आते हैं, आईआईटी जेई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम नीट में आते हैं, तो वैसे क्वेश्चन अभी देखेंगे। ठीक है, अभी बेसिक बेसिक सीख लेते हैं। चलिए आगे देखिए, अब हम बात करेंगे नेगेटिव कॉम्प्लेक्स की। नेगेटिव कॉम्प्लेक्स में जो हमें चीजें याद रखनी है, वो सबसे पहले याद रखना है कि नेगेटिव कॉम्प्लेक्स में काउंटर आयन आगे आता है और कॉम्प्लेक्स पीछे आता है। काउंटर आयन आगे, कॉम्प्लेक्स पीछे, मतलब आयनाइजेशन स्पेयर आगे, कोऑर्डिनेशन स्पेयर पीछे, या फिर कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज। रूल क्या कहता है, रूल समझो। सबसे पहले काउंटर आयन लिखे जाएंगे। अच्छा, काउंटर आयन कितने भी, उनका नाम ही लिखना होता है, प्लस नंबर ऑफ लिगेंड्स, वैसे ही फिर लिगेंड नेम, फिर सेंट्रल मेटल एटम, और उनके आगे लग जाता है एट, फिर आती है ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, अब देखिए कुछ सेंट्रल मेटल एटम याद रखिए, जैसे पहला Fe, इसे बोलेंगे पैरेट। नॉर्मली क्या बोलते हैं इसे, आयरन, लेकिन अब हम लोग नेगेटिव कॉम्प्लेक्स में बात कर रहे हैं तो इसे पैरेट बोलेंगे। दूसरा CO, कोबाल्टेट। तीसरा सी आर, क्रोमेट। चौथा सी यू, कुप्रेट। पांचवा पीबी, प्लम्बेट। एजी, एजी ओ जी, अर्जिनेट, अर्जी नेट। सातवां एयू, औरत, औरतनी, औरेट, औरेट, औरतनी बोलना है। ठीक है, औरेट। ठीक है, पीटी, प्लेटिनेट। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट लिखवा रहा हूं, जिंकेट,
एच जी, मर्कुरेट, ठीक है, इसके अलावा एनआई, निकलेट, एसएन, पिन कहते हैं स्टेनलेस, ठीक है। चलिए, अच्छा अल्कली मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको याद होगी, ली ना की रब से फरियाद, इनकी होती है प्लस वन। अच्छा फ्रेंशियम हटा दो, डीडीएफ, ठीक है, प्लस वन। और बेटा मांगे कन्या सुंदर, बाप राजी, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्कॉन्टियम बेरियम रेडियम, इनकी होती है प्लस का। ये ऑक्सीडेशन स्टेट आपको याद होती है, काम में आएगी। नहीं याद, याद रख लो, और ऑक्सीजन की हमेशा याद रखनी है, ऑक्सीजन की -2 होती है, परऑक्साइड के केस में -1, सुपर ऑक्साइड के केस में -8, लेकिन ज्यादातर ऑक्सीजन की पूछी जाती है तो याद रखनी है। चलो कर लोगे, चलो अब स्टार्ट करते हैं आगे। पहला K4Fe CN6, दूसरा FeCN6 3-, चलिए इसका नाम लिखते हैं। देखिए 1 × 4 प्लस एक्स प्लस -1 × 6 इज इक्वल टू 0, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस का 2। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस का 2, आ गई कि नहीं आ गई, ठीक है सर। अब इसका नाम क्या होगा, सबसे पहले काउंटर आएंगे, पोटेशियम, पोटेशियम हेक्सा साइनाइडो, कई लोग साइनो भी बोलते हैं, सही है, पोटेशियम हेक्सासाइनाइडो फेरेट, सेकेंड, ओके। चलिए अगला, एक्स प्लस -1 × 6 इज इक्वल टू -3, एक्स की वैल्यू प्लस का 3, नाम क्या होगा, हेक्सा, काउंटर आइन नहीं है ना, साइनाइडो फेरेट थर्ड आयन, तीसरा Co(C2O4) का होल थ्राइस 3-, चलिए एक्स प्लस -2 × 3 इज इक्वल टू -3, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस का 3, नाम क्या होगा इसका, ये C2O4 को ऑक्सैलेटो कहते हैं, ये कितने, 3, ट्राई ऑक्सैलेटो, ट्राई ऑक्सैलेटो कोबाल्ट थर्ड आयन, ट्राई ऑक्सैलेटो कोबाल्ट थर्ड आयन, फोर्थ वाला PtCl4 2-, एक्स प्लस -1 × 4 इज इक्वल टू -2, एक्स की वैल्यू प्लस का 2, नाम क्या होगा, टेट्रा क्लोराइडो, अरे यार कोबाल्टेट होगा, सॉरी बेटा कोबाल्टेट होगा, ठीक है, सॉरी कोबाल्टेट होगा, नेगेटिव साइन, प्लेटिनेट, सिलिकेट,
सेकेंड आयन। ठीक है, क्या क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है क्या? तो इस तरीके से हम लोग नेगेटिव कॉम्प्लेक्स की आईयूपीएसी बहुत आसानी से कर लेंगे। ठीक है, अब कैसे भी क्वेश्चन आ जाए, जो वर्कशीट दी है, वर्कशीट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है, आईयूपीएसी के क्वेश्चन है, ऑक्सीडेशन स्टेट के क्वेश्चन है, तो वो वर्कशीट करनी है आपको। अगर बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो करनी पड़ेगी, नहीं करोगे कैसे काम चलेगा? ठीक है, नीट वाले बच्चों के लिए भी डाल दूंगा मैं, जेई वालों बच्चों के लिए भी। अब देखिए, अब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन। जैसे कई बार क्या होता है कि दो कॉम्प्लेक्स आ गए एक साथ, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कॉम्प्लेक्स एक साथ आ सकते हैं। जैसे एक मैंने क्वेश्चन बनाया PtCl4, Pt NH3 का होल। अब देखिए यहां पर प्लेटिनियम, दोनों जगह प्लेटिनियम है, तो मान लो इसको एक्स मान लिए तो ऑटोमेटिकली ये बुरा मानेगा, तो बुरा ना माने तो इसे भी एक्स मानना पड़ेगा। तो एक्स प्लस -1 इंटू फोर प्लस एक्स प्लस 0 इंटू फोर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू प्लस का 4, x की वैल्यू प्लस का 2, तो एक की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 आएगी तो दूसरे की भी प्लस 2 आएगी। नाम लिख दो। अच्छा, ये आगे वाले को पॉजिटिव की तरह ट्रीट करेंगे, पीछे वाले को नेगेटिव की तरह। नाम क्या होगा इसका? टेट्रा क्लोराइडो प्लेटिनियम सेकेंड, फिर टेट्रा अमाइन प्लेटिनेट सेकेंड। अच्छा, एक और क्वेश्चन देखते हैं। CONH3 6 CrCN6। अब देखिए यहां पर सिमिलर नहीं है, तो सिमिलर नहीं है तो एक की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे जिंक की क्या होती है +2, कोबाल्ट और क्रोमियम की ज्यादातर कंपाउंड कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलते हैं? +3। तो किसी की भी मान लेना, प्लेटिनियम के +2 और +4 में, आयरन +2 और +3 में। ठीक है बेटा, ये कुछ कॉमन याद करा दिए, इसके बाहर नहीं जाएगा, बोर्ड में नहीं जाएगा, कंपटीशन में भी नहीं जाएगा। ठीक है, इनकी याद रखनी है। अब जैसे यहां पर ध्यान दीजिए, ठीक है, तो कोबाल्ट की जैसे हमने +3 मानी, 0 × 6 और भी करा देंगे, प्लस एक्स प्लस -1 × 6 इज इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू आ गई प्लस का 3, इसकी भी +3 और इसकी भी, तो नाम क्या होगा? हेक्सा अमाइन कोबाल्ट थर्ड हेक्सा साइनाइडो क्रोमेट थर्ड। तो यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है? चले बेटा, अगली क्लास में हम लोग आईयूपीएससी के मिसलेनियस प्रॉब्लम लेके आएंगे, और अगली क्लास में मैं आपको नाम से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने सिखाऊंगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, बाय बाय, और पढ़ते रहिए और देखते रहिए अपनी केमिस्ट्री क्लास। बाय हिमांशु सर, बाय बाय।